नॉनवेज बने और मुंह में पानी ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से एक चटपटी और बहुत ही टेस्टी चिकन फ्राई करी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए, तो फिर देर किस बात की, तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। उससे पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मैं इतनी पुरानी तो हो ही चुकी हूँ कि आप लोग से इतना उम्मीद मैं कर सकती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप मुझे सही बताओ, मुँह में पानी आया कि नहीं आया? मेरे मुँह में तो खूब पानी आ रहा था बनाते समय, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? चलो आप भी देख लो कि मैंने बनाया कैसे है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, जो कि अगर चिकन बनाना है तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कुकर भी ले सकते हो, वो आपके वो ऑप्शनल है। तो फिर मैंने कढ़ाई ले लिया, और उसमें हम लोग सरसों का तेल डालेंगे, खड़े गरम मसाला जैसे ये दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और चाय पत्ता, थोड़ा सा अदरक कूटा हुआ, तो ये सब कुछ डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि और एक आप अगर चिकन बना रहे हो तो एक मेरी बात ज़रूर मानना कि उसमें एक खड़ा लहसुन ज़रूर तेल में डालना। आप ऐसा करके, मैं एक और रिक्वेस्ट ही आपसे करें कि प्लीज़ ऐसा करके देखना, बहुत ही अलग एक टेस्ट आएगा जो कि आपको मज़ा आ जाएगा एकदम नॉनवेज खाने में। फिर उसके बाद ये मैं चिकन बहुत थोड़ा सा था, मतलब दो ही आदमी के हिसाब से था, तो फिर मैंने इसमें 100 ग्राम ये प्याज लिया था, फिर ये 100 ग्राम नहीं था, ये 200 ग्राम प्याज था। और फिर उसके बाद ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि मुझे ये अच्छे से इसे फ्राई करना था और प्याज को हल्का क्रंची ही रखना था, क्योंकि ये नमक डालने से क्या था कि वो गलने लगता है, और थोड़ा सा हल्दी डालने से वो प्याज को ज़्यादा गलने नहीं देगा, मुझे प्याज को ज़्यादा गलाना नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया। तो आप अगर नॉनवेज लवर है जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मैं अगर मार्केट भी जाती तो मैं हमेशा इस तलाश में रहती कि आज मुझे नया क्या मिलेगा खाने के लिए, कुछ ऐसा रेसिपी मुझे दिख जाए या फिर मैं टेस्ट कर लूँ। तो एक अपना अलग ही प्रेम होता है नॉनवेज के लिए, वैसा जो ये खाते होंगे ना नॉनवेज, उनको ही वो प्रेम के बारे में अंदर से पता होगा। तो अब जो मेरा चिकन है, मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया था, और अब हम लोग प्याज में डाल के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, तब तक भूनेंगे, तब तक भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि हम लोग का चिकन जो है वो 80% पक नहीं जाएगा, तब तक हम लोग इसे भूनेंगे। मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि चिकन को अगर हम नमक और हल्दी डाल के भूनते हैं और एकदम 80% तक भूनते हैं, तो उसका एक जो टेस्ट है, एक ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा है, मैं बहुत सीरियस होकर ये बात बोल रही हूँ, एक ऑथेंटिक टेस्ट ये टेस्ट आता है जो कि आपके रेस्टोरेंट और ये ढाबा के टेस्ट को टक्कर देता है। अगर आप इसे बना के किसी के ये बर्थडे या फिर कोई फंक्शन में ले जाओ तो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप खुद से बना कर लाए हो कि रेस्टोरेंट में बनवाए हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोग कुछ बना ही रहे खुद से, तो क्यों ना उसमें थोड़ा सा घर का ही मेथड से बाहर का टेस्ट दिया जाए। तो मैंने बस यही एक दिमाग में है कि घर के मेथड से बाहर का टेस्ट कैसे मिले, क्योंकि बाहर में हम लोग उनके किचन में तो नहीं देखने गए कि क्या कर, और मैं ब्लाइंडली किसी को कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, तो फिर किसी को ब्लेम करने से अच्छा कि अपने आप में सुधर जाओ, है ना। तो बस मेरा जो चिकन था वो भुन चुका था, मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी देगी मिर्च डाली थी, फिर इसमें मैंने चिकन मसाला डाला, गार्लिक और ये अदरक का पेस्ट डाला है, और हम लोग इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे। आप लोग नॉनवेज में एक चीज़ देखना कि अगर उसमें तेल कम हो, मसाले कम हो, तो उसमें वो जायका नहीं आता है, क्योंकि नॉनवेज का सिंगार होता है तेल मसाला। आप कभी भी अगर ये नॉनवेज में अगर गौर किए होगे तो ये चीज़ ज़रूर गौर करना कि जिस चीज़ में हम लोग का नमक मिर्च ये सब कम रहता है नॉनवेज में स्पेशली, तो उसका टेस्ट ही वो 50% कर देता है। नॉनवेज का एक अपना टेस्ट होता है, मटन का अपना टेस्ट होता है, चिकन का अपना होता है,
फिश का अपना होता है, लेकिन अगर उस टेस्ट में हम लोग एनहेंसमेंट नहीं देंगे तेल और मसालों का, तो वो जो टेस्ट है वो 100% कभी नहीं होता। देखिए मेरा जो टेस्ट है वो 100% है, इसका जो फ्लेवर है वो भी 100% था, इसका जो महक था, जो आसपास लोग ये महक के उनके मुंह में पानी आ जाए वो भी 100% था। क्योंकि मैं अभी रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि दो तीन लोग आते जाते रहते हैं, तो वो लोग बोले अच्छा कुछ स्पेशल बन रहा है। मैंने कहा स्पेशल नहीं, चिकन बन रहा है। तो बोले नहीं, मुझे लगा कि कुछ आप न्यू डिश ट्राई किए। तो मैंने कहा आप टेस्ट करके देखो कैसा लगा। तो दो लोग को मैंने टेस्ट करवाया और सही में उन लोग बोला कि आप तो शॉप खोल लो। वो लोग खाते ही मुझे ये, तो मैंने कहा कि अभी तो मैं कैसे खोलूँ, मेरी छोटी सी बेटी है उसे कौन देखेगा। तो फिर देखो अपना स्किल्स को डेवलप करो, फिर उसके अब बाद में अगर मुझे सच में मन कर गया कि नहीं मुझे अपना शॉप ही करना है, तो फिर मैं वहीं पर भी सेल करूँगी, क्या दिक्कत है। काम अपना है ना, छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए सीखते जाओ। और मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं हर वो चीज़ उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो लोग डीमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं। आज मेरा भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि मैं डीमोटिवेट थोड़ा बहुत हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जॉब कहीं करती थी, मेरा जॉब वहाँ से छूट गया है और मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, बस घर पे रहती हूँ, थोड़ा बहुत वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपना प्यार थोड़ा सा मेरी तरफ दिखाइए और मेरे वीडियोस को थोड़ा आगे तक पहुँचाइए। थैंक यू।